मेरी पायल गिरी है, इन गलियों में मेरी पायल गिरी है, इन गलियों में मेरी पायल गिरी है, पायल गिरी है हीरे मोती से जड़ी है, पायल गिरी है हीरे मोती से जड़ी है, पायल गिरी रे मेरी हीरों से जड़ी है, पायल गिरी है मेरी हीरों से जड़ी है, अपने हाथों से हरी, अपने हाथों से हरी, तोरे मेरे हाथ मेहंदी लगी हरी प्यारे, तोरे मोर मेरे हाथ मेहंदी लगी, लटे ओलो जी सुलझा दो रे मोर मेरे हाथ मेहंदी लगी, लटे ओलो जी सुलझा दो रे फ्रेंड्स कहिए श्री राधे मनवा गिरा है, इन गलियों में मेरा मनवा गिरा है, इन गलियों में मेरा मनवा गिरा है, इन गलियों में मेरा मनवा गिरा है, मनवा गिरा रे मेरा मनवा गिरा है, मनवा गिरा है मेरा मनवा गिरा है, उठा दोनों हाथ अपने चरणों में, अपने चरणों में हरि, अपने चरणों में मन को लगा ले रे मेहंदी लगी, लटोल जी सुलझा दो रे मोहन हाथ मेहंदी लगी, लटोल जी सुलझा दो रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी, लटोल जी सुलझा दो रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी, मेरे हाथ मेहंदी लगी रे श्याम, मेरे हाथ मेहंदी श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, कमजोर नहीं पड़ना है आज,
अभी होली भी खेलनी है। आज पूरी मस्ती के साथ, क्योंकि आज ही कथा का विश्राम दिवस होगा, फिर कल इस समय को आप याद करोगे। इसलिए आज जितना आनंद ले सकते हो खूब लेना। आनंद बार बार नहीं मिलता, आनंद की अनुभूति तो कभी कभार होती है, नहीं तो अपने घर की समस्याओं में ही व्यक्ति उलझा रहता है। ये जो उलझन है ये संसार की नहीं, भगवान की उलझन हो तो ये मनुआ उलझन में ही लगा रहता है। उलझन हो तो भगवान की, संसार की नहीं, ताकि इस मन को और किसी प्रकार की परवाही ना हो। तो भगवान की 16108 जो विवाह हैं, इसका अर्थ होता है आठ जो भगवान की अष्टपटरानियां हैं, ये हमारी आठ प्रकृति हैं। गीता में एक श्लोक में आया है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा अहंकारम इति मे ये भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये आठ पटरानी क्या क्या है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। ये आठ प्रकृति हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये आठ पटरानी भगवान की हैं, ध्यान देना। और 16108 जो 100 जो भौमासुर ने जो कन्याएं चुराई थी, वह भगवान की 16000 वेदों के मंत्र हैं। और 100 प्रकार के हैं उपनिषद। तो इस प्रकार से भगवान के विवाहों का वर्णन है, 16000 वेदों के मंत्र, 100 प्रकार की उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति। ये सब भगवान की पत्नी ही तो हैं। ये आकाश, ये वायु, ये पृथ्वी, ये जल, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जीव, ये सब प्रकृति आप जो देख रहे हैं, ये बाग, बगीचे, झरना और सरोवर आदि, ये सब भगवान की रानियां हैं। ये भगवान की किस्सा है और हम भी भगवान की ही पत्नी हैं। जिसका मन परमात्मा में लग जाए वह भगवान की पत्नी है। कहने का अभिप्राय सज्जनों यह है कि जब भगवान अपने जीव को अपनाते हैं तो वो पत्नी रूप में अपना दर्जा देकर के उनका पालन पोषण करते हैं। अब जितनी भी रानियां हैं उन रानियों के सबके अलग अलग महल हैं और भगवान सभी के साथ में अलग अलग महलों में निवास करते हैं। तो एक बार श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि आज मैं देखता हूं। वैसे सभी रानियों को देखा, सभी को बड़ा गुस्सा आता है, किसी न किसी की कमी, किसी को ईर्ष्या है, किसी को गुस्सा है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, लेकिन इन रानियों में सबसे ज्यादा सरल जो है वो रुक्मणी है। इनके मन में कभी भी किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं आया, कोई आवेश नहीं आया। आज मैं इनकी परीक्षा लेकर के देखता हूं। तो भगवान ने आज रुक्मणी की परीक्षा लेने के लिए अपने सिंहासन पर बैठ गए, आराम से बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। रुक्मणी जी आई, बोली, स्वामी जी आज आप ऐसी गंभीर मुद्रा में क्यों बैठे हो? आप तो हमेशा खुश रहते थे, हंसते रहते थे, आज क्या बात है? भगवान ने कहा, एक बात हो तो बताऊं, अनेक बात है। बोले, क्या स्वामी जी, मेरे से कोई अपराध बना है, कोई गलती बन गई है तो मुझे क्षमा करें, बताइए क्या बात है? लेकिन आपको इस प्रकार से मैं मायूस, उदास नहीं देख सकती। भगवान ने रुक्मणी से कहा कि राजपुत्री इप्सिता भूपेन लोकपालो विभूत भी महानुभावे श्रीमदी रूपो
दारियो बलोर जते हैं कि सबसे पहले कमी तो आपने ये की कि मुझसे आपने विवाह किया, क्यों मैं तो आपका ग्वाल बाल हूं। मुझे ब्रजवासी ग्वाल कहते हैं, कोई कनुआ कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई चील चोर कहता है। मेरा कोई नाम भी नहीं है, मैं कोई राजा भी नहीं हूं। अगर राजा समझ करके आपने मेरे साथ विवाह किया हो तो वह भी नहीं हूं। आखिर आपने मेरे साथ में विवाह क्यों किया? और कहा कि राजभ्यो विव्रता सुब्रो कि समुद्रम शरणम गता बलभद्री कृत द्वेषान प्रायस्तनपासनम। अगर आप मुझे बलवान समझ रही हो तो राजा जरासंध के भय के कारण से मैं समुद्र के बीच में रहता हूं। तो आपने क्या सोच समझ करके विवाह किया? कोई खास बात है? अरे देखो आशीर्वाद, इनकी शादी की सालगिरह होगी शायद, बताया नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। एक बार ताली बजाकर इन सबका स्वागत, बहुत प्रसाद होगा। तो रुक्मणी ने कहा भगवान मैं तो आपके लायक नहीं थी, कृपा तो आपने मेरे ऊपर की है कि मुझे आपने अपनाया। भगवान ने कहा देखो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर अभी भी आप उस शिशुपाल राजा से विवाह करना चाहती हो तो बेशक से अभी करवा दूंगा। तो ये बात सुनकर के रुक्मणी जी तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। भगवान को लगे अरे ये क्या हुआ, तुरंत ही भगवान ने अपने गोदी में बिठाया और चवर ढुराने लगे और कहने लगे मैं तो आपसे विनोद कर रहा था, देवी आपको तो मूर्छित हो गया, आपको तो मूर्छा आ गई, मैं तो मजाक कर रहा था। वास्तव में सच्ची भक्ति यही है जो भगवान की भक्ति से हमें हटाए वह सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो भगवान की भक्ति में हमें मिलाए, भगवान की भक्ति से ओतप्रोत करे, धर्म के काम पर लगाए वह सच्चा मित्र होता है। रुक्मणी ने जवाब दिया बड़ा सुंदर कि गोपाल सत्य तो यह है कि मैं आपके लायक नहीं थी और आपने मुझे अपनाया, सबसे बड़ी कृपा तो आपने ये की। मैं कहा आप मुझे पहले कभी जानते भी नहीं, अनजाने में मैंने आपको एक पत्रिका लिखी, उस पत्रिका को आपने सुना और सुनकर कि आप मुझे लेने के लिए आए। मैंने कभी आपको दर्शन नहीं किया, मैं पहले कभी आपसे कोई परिचित भी नहीं थी और ये कृपा आपने सबसे बड़ी मेरे ऊपर की है। बड़ी कृपा की आपने। और आप कहते हो गोविंद कि मैं कोई बलवान नहीं हूं, मैं कोई धनवान नहीं हूं। तो अच्छे अच्छे राजा तो आपके डर के मारे भागे और फिर तुम कहो कि मैं बलवान नहीं हूं। और तुम कहते हो कि मैं कोई रूपवान भी नहीं हूं, लोग मुझे काला भी कहते हैं, कनुआ भी कहते हैं, अनेक अनेक नामों से पुकारते हैं, मैं कोई सुंदर भी नहीं हूं। तो कहा कि काले हो तो कमाल करते हो, गोरे होते तो क्या करते। कि यदि नंद लाला सुकुमार तदेख कुमारी लजे छल छंद जिते जिन चोरन के, हे नंद लाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के।
जब काले हो तो इतना कमाल करते हो और गोरे होते सुंदर होते तो न जाने क्या होता, लोगों के गले कट जाते आपके ऊपर। प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, और मैं तो एक चित्रपट में तुम्हारा दर्शन करके बस मोहित तुम्हारी हो गई। जब से मैंने आपका वो दर्शन किया चित्रपट में, तब से मैं आपकी हो गई और ये पक्का निश्चय कर लिया कि मैं गोविंद से ही विवाह करूंगी। कि तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार। रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार। रसिया मणि जी कह रही है कि मैं तो आपकी सूरत पर देखकर के बलिहार हो गई, और आपको देखकर के किसको नाच नहीं आता। पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। रसिया तेरी सूरत पे हो, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। रसिया तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। रसिया बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। रसिया सूरत पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी।
पीछे तो मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, ओ मैं तो आई हूँ आई करने को, आई करने को, आई करने को, मैं तो मनोहार रसिया मैं बोला तुम तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, 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 तेरी सूरत पे सूरत पे तेरी लगनवा, बिसर गया मेरा घर आंगनवा, 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 ओ मैं तो छोड़ आई कौन कौन छोड़ कर क्या है जरा हाथ उठा के बताओ गोविंद को, ओ मैं तो छोड़ आई, तो छोड़ आई सारा संसार रसिया तेरे दरबार रसिया, मेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तो छोड़ आई सारा संसार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, से कही श्री राधे श्री राधे श्री राधे, लगन हो तो सच्ची ऐसी हो, भगवान के पीछे संसार छूटता है तो छूटने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, सारा जग रूठे तो ना रूठा चाहिए, जब एक मना लोगे तो संसार अपना बन जाएगा, क्यों चक्कर में पड़ते हो संसार के, एक नहीं रूठे बस सारा जगत रूठ जाए कोई परवाह नहीं। बणासुर की पुत्र पुत्री उषा, अनिरुद्ध के पुत्र था, प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध, उसने स्वप्न में देखा और मोहित हो गई, अपनी सखी चित्रलेखा से कहा कि मुझे तो यही राजकुमार चाहिए। उस राजकुमार के लिए चित्रलेखा ने बहुत प्रयास किया और द्वारका गई नारद जी के सन्निधि में और वहां
अनिरुद्ध को द्वारकापुरी से सोते हुए को ही उठा करके उषा को दे दिया और उसके साथ विवाह हुआ। भगवान कृष्ण का और बाणासुर का युद्ध हुआ, उसमें भगवान शिव आए, शिव ने फैसला कराया और सन्निधि के साथ विवाह हो गया। श्री सुखदेव कहते हैं स्वामी राजन कि जिस समय पांडव राजा बन गए तो पांडवों के मन में इच्छा हुई कि हम राजसूय यज्ञ करें, कि उन्होंने एक नया नगर बनाया था इंद्रप्रस्थ नाम का, जिसमें आप लोग ये कथा सुन रहे हो, जिसे हम दिल्ली कहते हैं, ये पांडवों का बनाया है। इसका पहले नाम था इंद्रप्रस्थ। जब अंग्रेजों का राज्य आया तो अंग्रेजों ने इस नाम को हटा करके दिल्ली कर दिया। पांडवों का दूत द्वारका पुरुष भगवान के पास में गया और भगवान से कहा कि पांडव राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं और एक नगर बनाया है, उस नगर के निर्माण में। भगवान ने दूत से कहा कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। पांडवों का दूत चला गया और एक मगध देश से और दूत आया। ये जरासंध राजा ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था नर बलि देने के लिए। उन राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की, अपना दूत भेजा। दूत ने कहा कि मैं, तुम चिंता ना करो, उनसे कह देना मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। दूत चला गया तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आए और पांडवों से कहा कि आप राजस्व यज्ञ तो करना चाहते हैं लेकिन करोगे कैसे? राजस्व यज्ञ तो वो राजा करते हैं जिन्होंने समस्त राजाओं को जीत लिया होता है। क्या आपने सभी राजा को जीत लिया है? पांडवों ने कहा, महाराज और तो हमारे सब बस में है, सबको जीत लिया है, लेकिन एक मगध का राजा है जरासंध, वह बड़ा बलवान है, उसको हम नहीं जीत पाए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा तो पहले उसको जीतो तब यज्ञ करना। तो पांडवों ने कहा, भगवान हम कैसे करेंगे? वो तो बड़ा बलशाली है, कैसे जीते उसको? बोले कि वो युक्ति मेरे पास है, तुम चिंता ना करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ में अर्जुन को लिया और भीम को लिया और सीधे चले गए मगध देश। वहां राजा जरासंध के सामने पहुंचे और प्रणाम किया। जरासंध ने कहा कि आओ भगवान, आइए आइए आइए, ब्राह्मण देव आए हैं, मैं बड़ा खुश हुआ हूं, बोलिए क्या चाहिए। वैसे वो ब्राह्मणों से कभी खुश नहीं रहता था। जब वो भगवान श्री कृष्ण को जीतने के लिए आया 18वीं बार, जब मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया और भगवान जान के हार गए, तो वे बड़ा खुश हो गया कि ब्राह्मणों के संताप से, ब्राह्मणों के बल से मैं युद्ध को जीत गया, तब से बहुत प्रसन्न है। आओ देव, क्या चाहिए आपको? आज मेरे द्वारे पर भूदेव पधारे हैं, पृथ्वी के राजा होते हैं, ब्राह्मण देवता पृथ्वी के देवता हैं। हाँ बोलो भूदेव, कैसे आए, क्या चाहिए आपको? भगवान कृष्ण ने कहा, भाई तुम्हारा नाम सुनकर के आए, बड़े दानी हो। बोले हाँ दानी तो हूं, ब्राह्मण पर मैं बहुत विश्वास करता हूं। बोले अच्छा, मगर महाराज ये बताओ आप आए कहां से हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो हिमालय से आए हैं, घूमते घूमते आपका नाम सुना तो आपके द्वार पर आ गए। बोले अच्छा, बड़ी कृपा की आपने, और अब बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप देना चाहते हो तो पहले 3 वचन दे दो, अन्यथा ऐसे हम वचन वरदान लेने वाले नहीं है, कुछ दिले लेने देने वाले नहीं है, हम तो त्यागी ब्राह्मण हैं, हम तो ऐसे चले आए। जरासंध ने सोचा कोई ब्राह्मण मेरे द्वार से निराश होकर कि ना चला जाए, तो उन्होंने कह दिया ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं, दूंगा दूंगा दूंगा, बोलिए आप क्या चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे
युद्धार्थनो वयम् प्राप्ता राजन्यो नानकांक्षिणा। कि अगर तुम देना चाहते हो तो हम तीनों ब्राह्मणों में से किसी से एक से युद्ध करो। तब जरासंध समझा कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये तो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का ही धर्म होता है युद्ध की याचना और मांगना करने का। जरासंध ने कहा तुम सत्य बताओ कौन हो। भगवान ने कृष्ण ने कहा कि देखो ये तो अर्जुन है और ये भीम है, तो फिर आप कौन हो? बोले मैं हूं तुम्हारा पुराना शत्रु जो तुमसे हार के भाग गया था कृष्ण। बोले तुमसे तो मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, करेगा कहां से, 17 बार तो हरा दिया, बड़ी मुश्किल से ब्राह्मणों के जप तप के प्रताप से तो जो युद्ध जीत गया। और कहा कि अर्जुन तो पतला दुबला सा है, ऐसे युद्ध करूंगा नहीं। हां ये भीम जो है ये भीम मेरे बराबर का है, इससे ही मैं युद्ध करने को तैयार हूं। तो भीम को जब देखा कृष्ण ने तो बड़ा खुश हो रहा था, देखो मैं बड़ा बलवान हूं कि जरासंध ने मुझे ही चुना है। युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध चलता रहा, रात दिन युद्ध चला और जरासंध ने नस नस ढीली कर दी भीम दादा की। भीम दादा रोते हुए आए कृष्ण के पास, भगवान मैं तो जा रहा हूं, मेरे बस का नहीं है ऐसे युद्ध करना, ये तो पहाड़ जैसा प्रतीत होता है, मैं ऐसे युद्ध नहीं करूंगा, या तो आप भाग चलो नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा भाई तुमको तो बड़ा योद्धा लग रहा था तुम्हारे समान का, तो अब क्या हुआ, करो ना युद्ध। बोले भगवान ये पहाड़ जैसा लगता है, पत्थर का जैसा शरीर है इसका, ये मनुष्य नहीं हो सकता। ये लीला भगवान ने भीम के मान के मर्दन के लिए की। वो समझते थे कि मैं कितना बलकारी हूं, मैं कितना योद्धा हूं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं है, तुम जो दोबारा ऐसे युद्ध करो और मेरी तरफ देखते जाना। पुनः युद्ध हुआ और भीम ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और उन्होंने एक तिनका लिया और तिनके को बीच में से चीर दिया। इसका मतलब उसने कहा कि भीम से कि भीम जरासंध के पैर पर पैर रखो और दूसरा हाथ में हाथ लेकर के जैसे तिनके को चीर दिया जाता है उस प्रकार के चीर के इसको खत्म कर दो। भीम ने वही किया, दो टुकड़े जरासंध के कर दिए और उसको युद्ध से जीत करके उसका मुकुट लेकर के पांडव अपने घर पे आए। ये वही मुकुट था जो राजा परीक्षित ने पहना था। आकर के उन राजाओं को जो बंदी बना रखा था भगवान ने उनको छुड़ाया और फिर हस्तिनापुर में आकर के राजसु यज्ञ किया। राजसु यज्ञ में सबसे पहले पूजा भगवान कृष्ण की हो ऐसा सभी ने बोला, लेकिन कृष्ण के पास में पैर बैठा हुआ था शिशुपाल राजा ने भगवान को 101 गालियां दी और कहा कि ये जो जिस पुत्री से मेरा विवाह हो रहा था, जिस कन्या से मेरा विवाह हो रहा था, उस कन्या को भगा करके ले गया इस कृष्ण से, इसकी पहले पूजा हो? कभी नहीं। भगवान ने उसकी 101 गाली सुनी, चक्र को आदेश दिया और चक्र ने आकर के उसके सिर को अलग कर दिया और शिशुपाल का वध हो गया। सुखदेव स्वामी कहते राजा एक भगवान का बड़ा मित्र है जिसका नाम है सुदामा। सुदामा का अर्थ समझिए, सुमाने सुंदर, दामाने दमन, जिसने अपने इंद्रियों को दमन कर दिया है और सुंदर मन बुद्धि चित्त को भगवान के चरणों में लगा दिया है वह है सुदामा। कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिता ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियाः। प्रसन्न रहने वाले
हर हाल में खुश रहने वाले हैं सुदामा। चाहे घर में एक कौड़ी नहीं है, चाहे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन जिसका मन प्रसन्न रहता है, जिसका मन परमात्मा के चरणों में लग गया है, वही तो सुदामा है। सुंदर मन जिसका है वह सुदामा है। एक बार सुदामा की पत्नी है सुशीला, सुशीला ने कहा कि आपकी कोई मित्र हैं बहुत पुराने, क्या आपको उनकी याद नहीं आती? भगवान ने कहा, सुशीला बड़ी अच्छी याद दिलाई आपने। हाँ, मेरा वो तो बचपन का मित्र है। सांदीपनी गुरुकुल में कृष्ण का और इनका मिलन हुआ सुदामा का, तभी से वो मित्र हैं। आज अब याद दिलाया, लेकिन सुदामा ने कहा कि आप कह रही हो कि मिलने के लिए जाऊं कैसे, क्योंकि मित्र के यहाँ मंदिर में, गुरु के यहाँ और राजा के यहाँ, बहन बेटियों के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है ले जाने के लिए अपने मित्र के पास, कैसे जाऊं? सुशीला ने कहा, तुम स्नान संध्या वंदन करो, इसकी आप चिंता मत करो, इसका प्रयत्न मैं करती हूँ। सुशीला चार जगह से तांडुल लेकर के आई, चावल लेकर के आई और एक पटे से कपड़े में चार जगह से सिल करके सुदामा को दे दिया। और सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए चल दिए हैं। कोई अता नहीं, कोई पता नहीं है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन कृष्ण से मिलने के लिए चल दिए। कि चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन हरे कृष्ण रामा, गाते चलो मन हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन हरे कृष्ण रामा, गाते चलो सुदामा चलते जा रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारिका में तेरी, आस भी अब निराश लगती है। सुदामा कभी प्रयागराज चले जाएं, कुरुक्षेत्र जाएं, हरिक्षेत्र जाएं, कभी वृंदावन चले जाएं, लेकिन द्वारिका का पता ही नहीं कि वो कहां जाएं। किसी से पूछा, भैया कृष्ण द्वारकाधीश कहां रहते हैं, कोई अता पता है? किसी ने बताया, वो तो द्वारकाधीश समुद्र के पास में रहते हैं, समुद्र के बीच में ही रहते हैं। भजन करते करते पहुंच गए समुद्र के समीप में, और जब समुद्र के समीप में बैठे तो विचार करने लगे कि मैं अब जाऊं तो जाऊं कैसे समुद्र को पार करके, अब कोई नौका है नहीं,
बस वहीं समुद्र के किनारे पर लेट गए और कह दिया, हे कृष्ण भैया तू ही मिलना होए तो तू हमें यहाँ से ले जाइयो, अन्यथा कोई बात नहीं है, हम तो लौट करके अपने पुरी चले जाएंगे। पौरवदन के थे वो। कृष्ण आए केवट बन करके और आवाज लगाई, भाई कोई द्वारका जाने वाला है? आंखें खुली सुदामा की, हाँ भैया हम हैं, हम चलेंगे हम चलेंगे, तो आओ फिर बैठो मेरी नौका में। नौका में बैठ गए। भगवान ने पूछा, भाई कुछ किराया भाड़ा है कि नहीं? सुदामा ने कहा, भाई हमारे पास किराया भाड़ा कुछ नहीं है, हम तो अपने मित्र कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। भाई एक काम करो, तुम तो किराया भाड़ा लोगे, हमको यहीं उतार दो। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, चलो तुम जैसे ऐसे संत ब्राह्मणों को मैं फ्री में ही उतारता हूं, कोई बात नहीं, चिंता न करो, घबराओ नहीं। तो आए द्वारकापुरी, द्वारकापुरी आए, भगवान वहां से नौका में छोड़ दिया और अपने रूप को लेकर के तुरंत द्वारकापुर में प्रवेश कर गए। द्वारपालों से जाकर के पूछा, भाई कृष्णचंद्र यहां रहते हैं क्या? बोले हाँ रहते तो हैं, आप कौन हैं? बोले उनका मैं मित्र हूं सुदामा। बोले अच्छा अच्छा तो आइए ठहरो, अभी हम पूछ करके आते हैं, क्योंकि भगवान के यहाँ संत ब्राह्मणों का आदर होता है, सम्मान नहीं सम्मान होता है। द्वारपालों ने जाकर के भगवान से पूछा, किसी से पगान जगा तनु पे जाने को आही बसो कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पायो पाहन की नहीं सामा। महाराज एक ऐसा ब्राह्मण है जिसके पैरों में जूते भी नहीं है और दिव्य ब्राह्मण है, ललाट चमक रहा है दिव्यता से तेज से, और ऐसा वो ब्राह्मण कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक सोमबहु सुदा अभिरामा, कि पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, अरे भैया सुदामा तुरंत सोने के सिंहासन से उठकर के दौड़े दौड़े आए, सात डोरियों को पार किया और द्वार पर पहुंच गए। सुदामा को गले लगाया, भैया आज तुमको मेरी याद आई है, सुदामा आओ आओ, गले लग करके रोए। कृष्ण सुदामा को अंदर लेकर के गए, जिस सोने के सिंहासन पर स्वयं भगवान विराजमान हुआ करते थे वहां बैठ गए। सुदामा जी, सुदामा ने कहा, भैया लाला कृष्ण तुम कहां बैठा वे? मैं तो नीचे धरती में बैठूं तो सोने के सिंहासन पर मोहि काय को बैठा वे? भगवान ने कहा, मित्र तुम्हारी इसी उदारता से तो मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि आप जैसे जो दिव्य ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों की कृपा से तो मेरे यहां सब कुछ प्राप्त हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा से ही तो रुक्मणी उनको प्राप्त हुई, अगर वो ब्राह्मण पत्रिका लेकर के नहीं जाते तो रुक्मणी का विवाह कैसे उनके साथ होता। भगवान ने अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को, सुदामा के चरणों को धोया। भगवान इतने रोए अपने मित्र को देख करके, यह है सच्ची मित्रता। जिस मित्र को, दुखी मित्र को याद आए और दुखी मित्र के दुख में दूसरा मित्र सहयोगी बने, उसके आंसू बहे, वास्तव में तो वही मित्र होता है। रुक्मणी जी सोने की झारी में पानी लेकर के खड़ी हैं, लेकिन पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी, रोते जा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और
सुदामा के पैरों को धो रहे हैं। सुदामा ने कहा, भैया कृष्ण तू आज राजका द्वारिका को राजा है, तो मेरे पामन ने क्यों धोवे? भगवान ने कहा कि विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम, कि विप्रा प्रसादात कमलावरोहम, विप्रा प्रसादात अजताज तोहम, विप्रा प्रसादात मम राम नाम। भैया सुदामा, ब्राह्मणन को आशीर्वाद जाकू लग जाए बाकु तो उद्धार रह जाए। आपके ही इन चरणों के आशीर्वाद से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद मेरे लिए सर्वोपरि है। ले सको तो आशीर्वाद लो, किसी पर भार मत बनो, किसी पर बोझ मत बनो। वह आशीर्वाद आपको हमेशा फलाएगा फुलाएगा, हरा भरा रखेगा आपको आपके परिवार को। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम्। ब्राह्मण का जो मुख है वो भगवान का है, और ब्राह्मण के मुख से जो शब्द निकल जाए वह अटल सत्य होता है। ब्राह्मण का दिल कभी न दुखाओ, ब्राह्मण का सहयोग करो, तो कृष्ण के जैसे संपत्तिवान बन जाओगे। अब वैसे तो सुदामा भी संपत्तिवान ही हैं, इन्होंने एक गलती की उसका इनको पश्चाताप भुगतना पड़ रहा था। जब सांदीपन गुरुकुल में जब पढ़ा करते थे तो गुरु माता ने इनको दो मुट्ठी चने दिए कि जाओ यज्ञ के लिए लकड़ी लेकर के जाओ, आओ और भूख लगे तो एक मुट्ठी चना सुदामा तुम्हारे हैं और एक मुट्ठी चना कृष्ण तुम्हारे हैं। लेकिन कृष्ण ने सुदामा को दोनों मुट्ठी दे दिए और कृष्ण वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। लकड़ी तोड़ने लगी तो जोर से आंधी तूफान आया, बारिश होने लगी और सुदामा को भूख लगी। अपने एक मुट्ठी चने भी खा गए और कृष्ण के चने भी खा रहे थे, तो कृष्ण ने टोका, भैया सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा, भैया मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, ये आंधी तूफान बरसात हो रही है, इस वजह से भीग रहा हूं, तो मेरे दांत बज रहे हैं, ठंड लग रही है। भगवान ने कहा, भाई सुदामा तुमने अपने ऐश्वर्य को खो दिया, कि तुमने मित्र से भी कपट किया, कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या होई निर्धन या होई कोढ़ी। ध्यान रखना इन दोनों बातों को, याद रखो, अगर आप अपने मित्र का भाग खा रहे हो तो निर्धन होने की संभावना है। अगर गुरुओं से संतों से कपट करते हो तो निर्धन होने की संभावना है। जीवन में ध्यान रखो दो बातों को, तो जीवन सकुशल व्यतीत होगा।